सर्कल्स। तो सर्कल में एक तो सेंटर होता है ओ और एक होता है उसका रेडियस, तो ये सबको पता ही होगा। अगर मान लीजिए सेंटर से पास होने वाली कोई कॉर्ड है, तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर एंड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, अच्छा, पहली चीज तो ये, दूसरा ये, तीसरा लाइन टचिंग एनी टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉर्ड, इसको तो कॉर्ड बोलते हैं। फोर्थ, ये सर्कल है, यहाँ पर टच करते हुए, बस एक्सटर्नली टच करते हुए एक पॉइंट पर एक लाइन ऐसे स्ट्रेट निकल गई, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अ लाइन टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली एट अ सिंगल पॉइंट, टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली एट अ सिंगल पॉइंट is called tangent। ठीक है, फोर्थ रूल ये है। फिर फिफ्थ, सर्कल बनाया, यहां से एक रेडियस बनाया और एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, उसको हम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओ पी क्यू। अब ये कहेंगे इफ पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड PQ is a tangent and OP is radius, if PQ is a tangent and OP is radius, then P is called point of contact, then P is called point of contact, in the between रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। एक ये चीज मैं इसमें सर्कल्स में बहुत यूज करने वाला हूँ, सिक्स्थ नोट करिएगा, ये सर्कल है, इसका ही पॉइंट ओ है, यहाँ बाहर कोई पॉइंट पी है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करा, तो इसको मैंने पी क्यू बोल दिया और इसको पी आर बोल दिया, तो हम ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम an external point, length of tangent from an external point to a circle are always equal
आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके दो टेंजेंट्स बने हैं इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सातवां पॉइंट, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कहीं पर भी एक पॉइंट आपने लिया तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये जो थ्योरम है ये 9th क्लास में थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ये थ्योरम भी काम आती है। नोट करें, एंगल फॉर्म इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये मिटा दो इधर से, एट पॉइंट नोट करिएगा। अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल को मान लो ये और ये, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये दो पॉइंट, एक ए हो गया एक बी हो गया, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने ये कह दिया कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूँ तो एक सेगमेंट तो ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया ऊपर बड़े वाला सेगमेंट। तो मैंने क्या करा, इधर एक पॉइंट ले लिया ए से बी को, ए से इस पॉइंट को ज्वाइन करा, सी बोल दिया, और इसी तरह से सी से इस पॉइंट को, बी से इस पॉइंट को ज्वाइन करा। ऐसे यहाँ पर मैंने, ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया डी, ए से इसको ज्वाइन करा डी को और बी से डी को ज्वाइन करा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, इनको क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक। तो नोट करिएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और ऑलवेज इक्वल, ये हो गया, ठीक। और क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि ये पता होंगी आपको। सही, तो नहीं ये 7th और 8th जो 9th वाली प्रूफ करने को तो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे प्रूफ करने के लिए। प्रूफ इनका भी नहीं है, प्रूफ इनका भी नहीं है सिलेबस में, ये हमारी 10th क्लास में दे रखा है, लेकिन इनका सिर्फ रिकैपिटुलेशन प्री बोर्ड में उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन सिलेबस में मेंशन है कि इनका सिर्फ सैंपल पेपर में अगर दे रखा है तो फिर करना है। सैंपल पेपर में तो वो था कि सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल पी और एंगल ओ सप्लीमेंट्री होता है। वो तो ऐसे भी कर दोगे आप, वो तो ऐसे भी कर दोगे, एंगल पी और एंगल ओ सप्लीमेंट्री, ये ऐसे हो गया ना 90 डिग्री, ये तो वहाँ 90 डिग्री हो गया और ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो ये मतलब ये एक ओ क्यू पी आर एक कोऑर्डिनेटर बन गया, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनमें दो तो 90-90 हैं, तो जब 360 में से 90 प्लस 90 यानी कि 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल ओ प्लस एंगल बी 180 डिग्री आ जाएगा, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। फिर भी आप कहेंगे ना तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, वो भी प्रूव करा देंगे, वो भी बेहद आसान है। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिंपल है, ठीक है ना, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो भी हो जाएगा। खैर, एक तो ये हो गया, दूसरा तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं, तो कई बार हम सेम सेगमेंट में ऐसी उम्मीद करने लगते हैं कि इधर होता तो मेरे को समझ में आता, नहीं भैया ये बाजू में भी अगर आएगा ना तो भी आप ये समझ लीजिए कि ए बी कॉर्ड है तो इसके इस तरफ वाला जितना भी है वो सारे इक्वल होंगे, इधर भी कोई एंगल होगा ना उसको इधर जरा सा, इसको जरा सा नन्ना सा आपने इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, तो बेटा ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे सेम सेगमेंट वाले, ठीक। तो ये उम्मीद करी जाती है कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर टेढ़ा आ गया, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत टेढ़ा पेपर बनने वाला है, ऐसा नहीं है, हाँ अगर आ गया तो ऐसी चीज़ें भी यूज़ करी जा सकती हैं। नाइन्थ पॉइंट,
और इनका बस मेरे को आइडिया चाहिए, इनका मुझे कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना है। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो ये लिख दीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ये आपको इन चीज़ों का रिविजन इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले पता नहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ये फंडा यूज हो रहा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। विदिशा तुमने पूछा था सर, है ना? टेंथ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle मतलब सोचिए कि यहां पर मान लो एक आर्क है ए बी, तो हमने ओ को ए बी से ज्वाइन कर दिया, ये वाला जो एंगल है ये डबल होगा कोई भी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अब जो पॉइंट है ना, अब जैसे कोई भी एक पॉइंट होगा, मान लो मैं सी ले लेता हूँ पॉइंट, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब यहाँ पर होगा। ये अगर हमारा माइनर आर्क था, या अगर मान लो ए और बी हमको कोई कॉर्ड दे रखी हो, तो ये क्या होगा माइनर सेगमेंट, तो इसका बचा हुआ जितना भी होगा वो सारा मेजर सेगमेंट होगा। उस मेजर सेगमेंट में कहीं पर कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ पर भी अगर कोई एंगल होगा, मान लीजिए सी है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको आपने ए से ज्वाइन कर दिया और इसको आपने बी से ज्वाइन कर दिया, तो मैं समझ गया कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बन रहा है। समझ गए कि नहीं, रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है। तो ये वाले एंगल का डबल होगा यहाँ पर, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। समझ गए, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। तो क्या होता है कि कई बार हम ढूंढते रहते हैं कि नहीं इधर कहीं पर बन रहा होगा तभी मैं बोलूँगा उसको डबल, नहीं भाई नहीं, इधर 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 कहीं पर भी हो वो पॉइंट, तो जो वो एंगल बनेगा सेंटर पर बनने वाला एंगल उसका डबल होगा। समझ गए, तो इतने आपने जैसे ये 10 पॉइंट्स यूज कर लिए, ये जो 10 पॉइंट्स आपने नोट करें इनके बेस पर ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। इसमें उम्मीद ये है कि शायद 7, 8, 9, 10 शायद इन पॉइंट्स की हमको ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है, लेकिन जो शुरुआत के 6 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। मेरे पास जो आरडी है इसमें सर्कल्स दे रखा है चैप्टर नंबर 8। अगर किसी के पास आरडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इन द गिवन फिगर
फिगर PQ इज अ टेंजेंट डेटा पॉइंट आर इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट सेंटर हो आर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ विद सेंटर ओ फुल स्टॉप इफ एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री इफ एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड एंगल पी आर एस ज्यादातर सर्कल्स वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें फिगर जरूर दे रखी होती है ज्यादातर जो देखा गया है उनमें फिगर जरूर होती है इसमें भी फिगर दे रखी है तो एक सर्कल है सर्कल का सेंटर है ओ एस डी ये ओ क्वेश्चन को आसान नहीं बनाना चाहते उन्होंने बस ये दे दिया एस ओ डी तो वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि सर्कल के सेंटर के लिए होती है सर्कल के सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होगी डायमीटर तो डायमीटर के इधर क्या हो गया सेमी सर्कल सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री ये 90 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आप सीधा सीधा ये कहेंगे सिंस पी क्यू इज अ That is, दे रखा है ना PQ is a tangent. That is a straight line. That is a straight line. PQ is a tangent. ये एक straight line है. Straight line का मतलब ही क्या हुआ? कि angle PRS plus angle SRP plus angle QRP is equal to 180 degree. ठीक है? देखो तीन angle है. तीन एंगल का सब मैं 180 डिग्री बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको सीधा सीधा लीनियर पेयर नहीं लिख रहा हूँ अगर दो एंगल होते ना अगर मान लीजिए दो एंगल होते कि एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ दो अगर होते तो लीनियर पेयर बोल देता तो इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन is 180 degree सारे एंगल्स का सम एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो बेटा पी आर एस ही तो पूछा जा रहा है हमसे तो हम लिखेंगे एंगल पी आर एस प्लस एंगल ये जो एस आर टी है ये तो 90 डिग्री हो गया और प्लस एंगल क्यू आर टी ये 30 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन जरूर लिखना है यहाँ पर सेंस एंगल ओ सॉरी एंगल एस आर टी इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा करके लिख देना एंगल इन द सेमी सर्कल बस इतना यही अपने आप में पूरा रीजन है एंगल इन द सेमी सर्कल सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है
तो एंगल पी आर एस क्या हो गया 180 माइनस 120 सर्कल्स के क्वेश्चन कल देखते हैं, आज उतना करेंगे। और अगर आर डी है आपके पास तो बहुत बढ़िया, अगर आर एस है आपके पास तो बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है कि जो भी सी बी एस ई और एन सी आर टी वाले क्वेश्चन हैं वो करना है, ठीक। तो कोई टफ नहीं है चैप्टर, बस इसमें जो एक्सरसाइज 8.2 है इसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा सी बी एस ई और एन सी आर टी वाले। और भी कहीं से किसी सैम्पल पेपर से या स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला हो, कोई डाउट्स हो, कल लेकर आना, ठीक है। चलिए जी, ओके।